सो फाइनली फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स आर बैक। काफ़ी टाइम से हमने फोटोशॉप पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था और आप लोग इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि यार फोटोशॉप पर ट्यूटोरियल कब आ रही है। तो जब मैं इस वीडियो को प्लान करने बैठा, मैं काफ़ी सारे रेफरेंसेस देख रहा था पिंटरेस्ट वगैरह पर, तब मुझे कुछ ऐसे डिजाइन दिखे जो मुझे काफ़ी पसंद आए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे रिक्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जब मैं इसे रिक्रिएट करूंगा ना तो काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने मिलेंगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मैंने इन तीन डिजाइन को रिक्रिएट किया फ्रॉम स्क्रैच, और ऐसे स्टेप्स में सिखाऊंगा कि अगर आप एक बिगिनर भी हो तो भी आप काफी इजीली इस वीडियो को फॉलो कर पाओगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आप खुद के कॉन्सेप्ट्स कैसे डिजाइन कर सकते हो यूजिंग द सेम टेक्निक्स दैट आई विल शो यू इन दिस वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे। एम करते हैं 2000 लाइक्स का इस पर्टिकुलर वीडियो पे, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, यहां पर है हम लोग फोटोशॉप के अंदर। अब मैं आपको तीन अलग अलग डिजाइन तो बताने वाला हूँ, बट जो सबसे पहला डिजाइन है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं आपको हर एक चीज डिटेल में जाके बताऊंगा। वैसे तो मैं बाकी दो डिजाइन्स में भी बताऊंगा, बट एक बार आपको पहला डिजाइन अच्छे से समझ गया तो बाकी दो डिजाइन समझने में आपको काफी आसानी होगी, स्पेशली अगर आप नए हो फोटोशॉप में, आपने पहली बार फोटोशॉप सीखना शुरू किया है, तो उनके लिए ये काफी यूजफुल होगा, क्योंकि सेम टेक्निक ही हम लोग यूज करने वाले हैं हर एक डिजाइन में, बस कॉम्पोजिशन थोड़ा अलग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना पहले डिज़ाइन को, और ये मेथड से मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें टाइम भी कम लगता है, आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये मेथड पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं भी आती है तो भी बताना। तो सबसे पहले तो मैंने कॉम्पोजिशन साइज़ जो रखी है वो है 1000 by 1000, आप कोई भी कॉम्पोजिशन साइज़ रख सकते हो। और फिर मैंने यहाँ पर ऐड किया मेरा इमेज जो मुझे यूज़ करना है। बाय द वे, आप लोग ये जो भी इमेजेस ओवरलेस और इफेक्ट्स जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, आपको पूरी प्रोजेक्ट फाइल मिल जाएगी, तो आप सेम इमेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर हम ऐड करेंगे टेक्स्ट जो कि हम लोग यूजुअली फोटोशॉप में ऐड करते हैं। जो फॉन्ट मैंने यूज़ किया है उसका नाम है मॉन्ट, उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब जिन्होंने फोटोशॉप अभी अभी सीखना शुरू किया है, जिन्हें पता नहीं फॉन्ट कैसे ऐड करते हैं, टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, इस टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है, और फिर आप जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो, सिंपल एज दैट। एंड फिर कंट्रोल टी प्रेस करके अब उसको छोटा बड़ा इस तरीके से स्केल डाउन स्केल अप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मतलब फोटोशॉप से ज़्यादा सिंपल सॉफ्टवेयर कोई है नहीं। एनीवेज, तो जैसा कि मैंने रेफरेंस में देखा था, उन्होंने यहाँ पर, और जो रेफरेंस था वो अलग लैंग्वेज में था, तो यहाँ पर मैंने एक एक्सेंट ऐड करने के लिए और एक नेम लिखा है जो एक एक्स्ट्रा डिज़ाइन एलिमेंट के जैसे भी काम करता है, जो कि मुझे काफ़ी स्मार्ट लगा, काफ़ी अच्छा लगा, तो वही हमने ऐड किया है। और इसका फॉन्ट अलग था, तो इसका फॉन्ट है मॉकिन, तो वो भी अगेन सारे फॉन्ट सारे इफेक्ट्स आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। तो ये हमने ऐड कर लिया टेक्स्ट। अब आप देख सकते हो कि टेक्स्ट और जो हमारा इमेज है वो एक दूसरे में थोड़ा सा ऑड लग रहे हैं, ब्लेंड इन नहीं हो रहे, टेक्स्ट स्टैंड आउट नहीं हो रहा है, तो उसे स्टैंड आउट करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा ब्लैक ओवरले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। इसे ऐड करना बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर जाकर एक न्यू लेयर ऐड करना है, तो मैं सबसे पहले तो इसे सिलेक्ट कर लूँगा ताकि यहाँ पर ही एक न्यू लेयर ऐड हो जाए। तो न्यू लेयर ऐड करने के बाद आप जी प्रेस कर सकते हो ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करने के लिए, या तो यहाँ पर भी जा सकते हो, ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट कर लो। अगर आप फोटोशॉप का नया वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, क्लासिक ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लो, और फिर यहाँ पर क्लिक करके मैं बेसिक्स में जाऊँगा और ब्लैक एंड वाइट वाला जो ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट कर लूँगा। फिर वाइट कलर को सिलेक्ट करके हम लोग कर लेंगे इसे ब्लैक, और जो ओपेसिटी है इसे मैं सेट कर दूंगा 0 पर। ठीक है, प्रेस ओके। एंड ग्रेडियंट टूल मेक श्योर करना है कि ग्रेडियंट टूल सिलेक्टेड हो और ये लेयर भी सिलेक्टेड हो, और इस तरीके से हम ड्रैग करेंगे जिससे ये ओवरले जो है वो बन जाएगा। अगर आपको सही नहीं लगता आप कंट्रोल जेड प्रेस करो, इसे ड्रैग करके ऊपर कर लो, एंड देयर यू गो, सिंपल एज दैट। और इंटेंसिटी का इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको लग रहा है कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर जाकर ओपेसिटी में इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और एक ये एलिमेंट जो आइकन का एलिमेंट था डिज़ाइन में, और इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है इसे सेपरेट करने के लिए एक ड्रॉप शैडो इफेक्ट। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ड्रॉप शैडो कैसे ऐड करते हैं, आपको जाना है, आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले तो लेयर, फिर जाना है इफेक्ट्स में, और यहाँ से आप ऐड करोगे ड्रॉप शैडो। तो मैं ड्रॉप शैडो ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको एक प्रॉपर्टीज का आइडिया आ जाएगा। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टीज ली है इस डिज़ाइन के हिसाब से ली है, अगर आप चाहो तो इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, आप इसमें जो एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हो।
फिर हम ऐड कर देंगे कुछ डिटेल टेक्स्ट। यहाँ पर एक कोट मैंने ऐड कर दिया जिससे और भी ज़्यादा अच्छे डिटेल्स इस पूरे डिज़ाइन में आ जाएंगे। एंड फिर हम ऐड करेंगे एक टेक्सचर। अब टेक्सचर ऐड करने के लिए नॉर्मली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टेक्सचर इमेज को। यहाँ पर आपको टेक्सचर का इमेज मिल जाएगा, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एंड इसका जो ब्लेंड मोड है उसे मैं सेट कर दूंगा मल्टीप्लाई पर, जिससे क्या होता है कि ये टेक्स्ट के ऊपर हमें बहुत ही अच्छा से ये ग्रेनी बोलते ना ओवरले मिल जाता है, विच लुक्स वेरी नाइस और ओवरऑल इमेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। फिर हम ऐड करेंगे ये फ्लेयर जो एक बहुत ही अच्छी हाईलाइट जो है क्रिएट कर रहा है। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हो कि सन यहाँ से आ रहा है, बाल यहाँ पर किस तरीके से लाइट अप हो रहे हैं, तो उसी को इन्हेंस करने के लिए आपको बस इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर मैं प्लेस कर दूंगा। एंड फिर मैं यहाँ पर एक लेयर मास्क क्रिएट करूंगा। मेक श्योर करना है कि कंट्रोल आई प्रेस करके इसे इन्वर्ट कर दो और फिर अगेन ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करेंगे और फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा बेसिक में सिलेक्ट करूंगा ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। और इस तरीके से हम ड्रैग करेंगे जिससे ये हाईलाइट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हो और फिर आपको सिंपली इसका जो ब्लेंड मोड है उसे सेट कर देना है स्क्रीन पर। और ये हो गया हमारा ओवरले सेट, दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिमिलर वे में मैंने इसे यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इंटेंसिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत इंटेंस है, जैसे कि इन दिस केस मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटेंस है, तो जो ओपेसिटी है वो मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा और 85% इज फाइन। एंड फाइनली जो ओवरऑल लुक है उसे एनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक 3D LUT यूज़ किया है, और 3D LUT भी मैंने इनबिल्ट वाले ही यूज़ किए हैं जो फोटोशॉप के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो उसे ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, ऐड करना है कलर लुकअप, और जो 3D LUT फाइल है आपको जाना है यहाँ पर, और मैंने यूज़ किया था आई थिंक फॉल कलर्स, ये सब फोटोशॉप के साथ ही आते हैं डिफॉल्ट है, इस तरीके से ऐड कर देना है। और जो ओपेसिटी है वो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड देयर यू गो, हमारा जो कम्प्लीट डिज़ाइन है वो रेडी है। आपने देखा बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक हमने कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। इसे बनाना बहुत ईजी था और आप सेम टेक्निक्स यूज़ करके अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हो। अलग इमेज ले लो, अलग टेक्स्ट ले लो, बेसिकली आपको फॉर्मेट सेम रखना है, बस कॉम्पोजिशन आप अलग अलग वेज में चेंज कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट डिज़ाइन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन की ओर। तो यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर एक इमेज लिया हुआ है। अब आपको अगर आपको ऐसे इमेजेस चाहिए तो आपको फ्री पिक वगैरह पे मिल जाएंगे, फ्री में आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो अलग अलग इमेजेस। तो जैसे कि यहाँ पर हमने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर एक डार्क ओवरले ऐड किया था, सेम मेथड यूज़ करके मैंने यहाँ पर एक ब्लू ओवरले ऐड किया है ताकि अच्छे से ब्लेंड इन हो। फिर हम ऐड कर देंगे हमारा टेक्स्ट। तो ये मैंने एक सोचा था कंसेप्ट, जो मेन ओरिजिनल डिज़ाइन है उसका कॉन्सेप्ट अलग है, मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा अपना टच देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मान लीजिए एकेडमी के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट बना रहा हूँ, तो मैंने शाइन एकेडमी नाम ले लिया। फिर उनका जो मोटो है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, लर्न फ्रॉम दी बेस्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेप्थ क्रिएट करने के लिए सिंपली मैंने ड्रॉप शैडो यूज़ किया है। तो आपको लेयर सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट लेयर, ड्रॉप शैडो जाना है, यहाँ से जाके ड्रॉप शैडो ऐड कर देना है। और ड्रॉप शैडो की प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि शैडो आपको ब्लैक नहीं लेने, ब्लैक शैडोज़ बहुत ही ख़राब दिखता है। शैडोज़ में हमेशा एक कलर होता है, वो हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लू है तो मैंने डार्क ब्लू कलर लिया है, और ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा करके देख सकते हो अपने हिसाब से जो आपको सही लग रहा है। आई थिंक अराउंड 40-50% इज़ अ फाइन। और फिर सिंपली मैंने उसके कुछ डुप्लीकेट्स लिए हैं और उन्हें नीचे प्लेस कर दिया है। अब एक चीज़ का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि जो भी टेक्स्ट पहला हो उसे ऊपर रखना है, दूसरे टेक्स्ट को सेकंड रखना है नीचे उसके, और थर्ड टेक्स्ट को उसके नीचे रखना है। अगर थर्ड टेक्स्ट को आप ऊपर रख दोगे तो ड्रॉप शैडो काम नहीं करेगा उस लेयर का। यहाँ पर मैं लिख दूंगा एडमिशन्स ओपन। यहाँ पर मैंने अलग टेक्स्ट यूज़ किया है, ये जो अलग फॉन्ट यूज़ किया है, सॉरी, यहाँ पर ये जो फॉन्ट है ये है सिग्ना मास्त्रो, या दैट इज़ द नेम। एनीवेज आपको सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, धर्मा गौथिक, यहाँ पर वन ऑफ माई फेवरेट फॉन्ट्स टू बी ऑनेस्ट एज ऑफ नाउ। फिर हमने ऐड किया है ये आइकन ऐसे इस डिज़ाइन को थोड़ा सा और एनहेंस करने के लिए। जो रेफरेंस था उसमें भी आइकन इस तरीके से यूज़ किया गया था, और थोड़ी सी और डेप्थ क्रिएट करने के लिए ये टेक्निक मैं बहुत यूज़ करता हूँ कि इसी आइकन का डुप्लीकेट ले लिया, उसे थोड़ा सा रोटेट करके मैंने गाजियन ब्लर इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर आपको नहीं पता कि गाजियन ब्लर कहाँ से ऐड करना है तो आपको लेयर को सिलेक्ट करना है, जाना है फिल्टर, ब्लर और गाजियन ब्लर, इज सिंपल एज दैट। जो प्रॉपर्टी मैंने ली है वो है अराउंड 10 पिक्सल्स की, सो यू कैन यूज दैट। फिर यहाँ पर एक अच्छा सा कोड डाल दिया टू ओवरऑल बैलेंस द डिज़ाइन। फिर हमने ऐड कर दिया उनके इंस्टाग्राम हैंडल, नाम और इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो।
एंड अगेन हमने यहाँ पर फ्लेयर ऐड कर दिया सेम टेक्निक यूज करके जो हमने इस फ्लेयर के लिए यूज की थी, एकदम सेम। आप यहाँ पर आपको वो ग्रेडियंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ऐड करके इसका जो ब्लेंड मोड है उसे सेट कर देना है स्क्रीन पर, दैट इज नाइस। अब एक चीज मैंने यहाँ पर ध्यान दी थी जो इस डिजाइन में जो ओरिजिनल क्रिएटर है उन्होंने बहुत यूज की थी, जो कि बहुत अच्छी एक कॉन्सेप्ट, एक लाइट का आइडिया देने के लिए इमेज में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हो इस इमेज में जो लाइट है वो इस तरीके से यहाँ से इस एरिया से आ रही है ताकि इसके फेस पे गिरे, तो उसका एक सेंस ऑफ यू नो सेंस ऑफ लाइट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक नया लेयर आपको क्रिएट कर देना है इस तरीके से। बी प्रेस करूंगा ब्रश टूल सिलेक्ट करने के लिए और कलर मैं सेम लूंगा ब्लू कलर, उसका एक लाइटर टोन ले लूंगा इस तरीके से। एंड फिर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो लाइट ऐड कर, तो क्लिक करके बस एक मतलब ब्रश टूल से एक डॉट बना दूंगा और फिर इसका जो ब्लेंड मोड है वो मैं सेट कर दूंगा स्क्रीन पर और फिर इसकी इंटेंसिटी या ओपेसिटी है उसे काफ़ी कम रखूंगा, तो एक अच्छी सी सेंस ऑफ लाइट हमें देखने मिल जाती है विच लुक्स वेरी नाइस। और ओवरऑल जो है वो टेक्स्ट भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, ओपेसिटी और थोड़ी सी कम कर दूंगा एंड ओवरऑल आई थिंक इट लुक्स वेरी वेरी नाइस एंड फ्रेश। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। फिर मैंने यहाँ पर फिर से कलर लुकअप यूज़ किया है, इस बार मैंने जो 3D LUT यूज़ किया है वो डिफरेंट था, वो था सॉफ्ट वार्मिंग लुक। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाता है और हमारा जो टोन है वो थोड़ा सा कोल्ड टोन है, तो मैंने कर्व्स में जाके थोड़े से एडजस्टमेंट्स किए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में, ऐड करेंगे कर्व्स और फिर मैं यहाँ से जाऊँगा ब्लू चैनल में और इसे थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करेंगे कुछ ऐसे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे RGB में जाके, तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा सा लुक हमें देखने मिल जाता है। रेड को थोड़ा कम कर दूंगा, तो ये है बिफोर, ये है आफ्टर, काफ़ी ज़्यादा कलर्स जो है और वाइब्रेंट हो गए हैं, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब क्रिएट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिज़ाइन, आई थिंक सबका होगा ये, दिस इज़ द थर्ड डिज़ाइन। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बैकग्राउंड से शुरू किया जो कि है एक कलर ओवरले, आपको सिंपली यहाँ पर जाकर सॉलिड कलर सिलेक्ट कर देना है, फिर आप जो भी कलर देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऐड कर दिया ये कलर, उसके ऊपर मैंने ऐड किया ये इमेज ऑफ अ कॉरिडोर जो कि मुझे पिक्सल्स वेबसाइट से मिला था और उसके ऊपर मैंने गाजियन ब्लर का इफेक्ट ऐड कर दिया है टू ऐड सम डेप्थ, क्योंकि इसके ऊपर हम जो ये इमेजेस यूज करेंगे वो सेपरेट हो पाए हमारे बैकग्राउंड से। तो ये दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, क्योंकि अगर आप एक रियल कैमरा से शूट करोगे, अगर आप फोकस करोगे आपके मेन सब्जेक्ट पे, तो जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है अपने आप, तो वो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। फिर हम ऐड कर देंगे कुछ टेक्स्ट। फॉन्ट मैंने यूज़ किया है पॉपिंस, एक फ्री फॉन्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट फॉन्ट अगेन, ठीक है। सो दैट वाज वेरी सिंपल एक्चुअली। एंड देन मैंने क्या किया है, यहाँ पर जाकर ऐड करेंगे एक और ओवरले ताकि हम हमारा जो सब्जेक्ट है उसे ब्लेंड कर पाए बैकग्राउंड के साथ, सेम मेथड जो हमने फर्स्ट इमेज में यूज़ किया था एक ब्लैक ओवरले क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर हमने कलर्ड ओवरले क्रिएट किया है, ठीक है। टेक्स्ट ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो ओरिजिनल क्रिएटर था उन्होंने ये आइकन्स यूज़ किए थे विच आई थिंक वॉज रियली नाइस, तो ये ऐसा पेंसिल का आइकन ऐड कर दिया था और उसे एक ड्रॉप शेडो का इफेक्ट जो है वो दे दिया था। अगेन ड्रॉप शेडो आप यहाँ से जाके ऐड कर सकते हो, ड्रॉप शेडो के प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे क्या प्रॉपर्टीज़ मैंने लिए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि शेडो आपको कभी भी ब्लैक नहीं रखना है अनलेस एंड अनटिल आपका ये जो एलिमेंट है या सब्जेक्ट है वो ब्लैक हो, तो जैसे कि है ये पेंसिल का कलर है एक येलो टिंट है, तो उसका एक डार्कर टोन मैंने लिया विद एन ओपेसिटी ऑफ 60 और बाकी सारे प्रॉपर्टीज आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर उसी का डुप्लीकेट लेके मैंने यहाँ पर प्लेस किया, ऐड कर दिया गाजियन ब्लर, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था। आप देख रहे हो कैसे मैंने सेम कॉन्सेप्ट को अलग अलग वेज में यूज़ किया है टू क्रिएट द कम्प्लीट डिज़ाइन। फिर मैंने ऐड किया है ये एक एक्स्ट्रा हाईलाइट, मुझे लगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, तो सिंपली मैंने क्या किया है ब्रश टूल सिलेक्ट किया, अलग अलग इनके कपड़ों से कलर लिए, उसे पेंट कर दिया और उसका जो ब्लेंड मोड है उसे सेट कर दिया है विविड लाइट पर, सिंपल एज दैट। फिर इंस्टाग्राम हैंडल एंड जो इनका लोगो है वो मैंने ऐड कर दिया। फिर हमने ऐड किया एक ओवरले जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्लेयर, आपको बस ऐड करके उसका जो ब्लेंड मोड है उसे सेट कर देना है स्क्रीन पर, जिससे अच्छा सा ये ब्लूइश टिंट देखने मिल जाता है। बट क्योंकि ये ज़्यादा ब्लू हो गया तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया है कर्व्स एडजस्टमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से जो कर्व्स है वो एडजस्ट कर लिए थे मैंने, आपको दिखा देता हूँ मैं। इसे डिलीट कर देंगे, ऐड करेंगे यहाँ से जाके एक न्यू कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर और थोड़ा सा जो कॉन्ट्रास्ट है उसको हम इम्प्रूव करेंगे, अभी भी थोड़ा ज़्यादा ब्लू लग रहा है तो उसे कम करने के लिए हम ब्लू चैनल में जाएंगे और इसे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके,
सो दैट इज लुकिंग वेरी नाइस एंड देयर यू हैव इट। तो देखा आपने कि हमने कैसे तीन अलग अलग डिजाइन बना लिए हैं बेस्ड ऑन वन सिंगल कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वे कि मैं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो सिखा पाऊँ। अगर आप ये वीडियोस, इस तरीके की वीडियोस सच में इंजॉय करते हो तो यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, लाइक कर देना वीडियो को, जिससे मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि आप लोग को ऐसा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है। इसमें क्या है ना, टाइम भी काफ़ी कम लगता है और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाती है ताकि आप अपना डिज़ाइन बना पाओ। मैं ये नहीं चाहता कि आप स्टेप बाय स्टेप बस देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, सेम डिज़ाइन बनाओ। आप कॉन्सेप्ट सीखो ताकि उससे आप अपने खुद के डिज़ाइन जो है वो बना पाओ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज। मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो dope.motions और निखिल पवार पे, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।